झांसी के जिला अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची ने अस्पताल के कर्मचारी पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया है। आरोपी कर्मचारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित बच्ची 8वीं कक्षा की छात्रा है। पीड़िता के पिता को टीबी की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए पीड़िता के पिता झांसी जिला चिकित्सालय में भर्ती है। आरोप है कि पीड़िता जब पानी भरने के लिए गई तो वहां जिला अस्पताल के कर्मचारियों के सुपरवाइजर सुरेश कुमार ने पीड़िता से अश्लील सवाल करते हुए अश्लील हरकत करना शुरू कर दी। जब इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी तो परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे पापा एडमिट थे, मैं पानी भरने आई थी तो वो अंकल मिले मुझे, बोले तुम्हारा कोई महीना ही ना तो नहीं चलता। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता ये महीना ही ना होता क्या है। तो बाद में मैं ऊपर जाने लगी तो बोले कि मुझे किस दी उन्होंने, गाल पे भी थे और होंठ पे भी थे। उसके बाद बोले तुम शाम को मेरे ऑफिस में आना। जिला अस्पताल में कुमारी पीड़िता के पिता अरुण सोनी टीबी का इलाज करा रहे थे तो कुमारी सोनी के रिलेटिव वकील साहब के द्वारा चौकी पे सूचना दी गई। तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता की बात को सुनकर आरोपी को कब्जे में लिया गया और प्राप्त तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई। क्या बताया पीड़िता ने, क्या आरोप लगाया था? पीड़िता ने बताया था कि मैं पानी लेने गई थी तो जीना पर इस व्यक्ति ने मुझसे बात की और बात करने के बाद में अश्लील हरकत की।